प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ उपदेश दे रही हैं, साधु संग, सत्संग, सदग्रंथ पाठ इत्यादि लेकर रहने से उस ओर की रुचि बढ़ती है। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करो। जो छूटने का है वह छूट जाएगा। परमेश शरणागतो हम। प्रश्न, मां प्रसाद का क्या अर्थ है? मां, प्रसाद माने प्रसन्नता। भगवान को निवेदित भोग को प्रसाद कहा जाता है। प्रश्न, मां हम यदि प्रसाद को भुक्तावशिष्ट कहें तो? मां, तब भी हम लोग तो प्रसाद ही कहेंगे। प्रसाद माने प्रसन्नता। भगवान को भोग लगाने से प्रसाद हो जाता है। प्रश्न, मां भगवान खाकर देते हैं क्या? मां, निवेदन करने से उसकी जो अशुद्धि है वह दूर हो जाती है। प्रसाद पाने वाले को प्रसन्नता होती है। भगवान सबको देते हैं और खिलाते हैं। जो भगवान है, भगवान माने भाग्य बनाने वाला। भोग्य और भाग्य सब वही है, उनके सिवाय और कोई है ही नहीं। खिलाने वाले और खाने वाले सब खुद वही हैं। भगवान को निवेदन कर भोग लगाने से प्रसाद बन जाता है। प्रसाद पाकर तुम जो नित्य प्रसन्न हो वह प्रकट हो जाएगा। हमारे बीच में प्रसन्नता है आत्मा। प्रसाद पाकर प्रसन्न हो जाओगे। प्रसाद पाने से आवरण जो हटने वाला है वह हट जाता है और असली प्रसन्नता प्राप्त होती है। एक भक्त पूजा करते थे। एक दफे वह बाहर किसी गांव में जाने वाले थे। उन्होंने अपने बच्चे को बुलाकर कहा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम ठाकुर जी की पूजा करना और रोज भोग लगाना। उसने पिताजी के आदेशानुसार पूजा की और भोग का थाल भगवान के सामने रख दिया और निवेदन किया कि भगवान खाओ। लेकिन वह क्या देखता है कि थाल जैसा रखा था वैसा ही है। जब भगवान नहीं खाते हैं तो वह कैसे खा सकता है। इस प्रकार उसने 3 रोज भोग लगाकर प्रतीक्षा की और स्वयं भी उपवास किया। उसको चिंता हुई कि 3 दिन में पिताजी आ रहे हैं और इधर भगवान खा नहीं रहे हैं। पिताजी को क्या जवाब दूंगा? उसने फिर भगवान से प्रार्थना की कि आज तुम अवश्य खाओ, अगर आज भी नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें डंडे लगाऊंगा। यह कहकर बहुत रोया। फिर विनती करते हुए बोला, भगवान तुम खाते क्यों नहीं हो? फिर तो भगवान ने प्रकट होकर भोग लगाना प्रारंभ किया। भगवान खाते रहे, बच्चा देखता रहा। भगवान को सब खाते देखकर बच्चे ने भगवान से कहा, कुछ प्रसाद मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। पिताजी के आने पर सब बात पिताजी से कही। पिता धन्य हुए। अगर कोई भगवान को खिला सके तब और बात है। फिल्टर करके पानी पियो, अगर फिल्टर नहीं करोगे तो बीमारी होगी। इस स्थिति में आने के लिए सब कुछ भगवान को निवेदित करके प्रसाद लेने की कोशिश करो। भगवान रहने से भक्त रहता है, भक्त रहने से भगवान रहता है। भक्त भागवत भगवान एक ही है। प्रश्न, माँ ब्रह्म ज्ञान स्वरूप हैं ही, उनको जानने के लिए ज्ञान की क्या आवश्यकता है? सूर्य को जानने के लिए प्रदीप की क्या आवश्यकता? माँ, प्रश्न क्यों करते हो? प्रश्न है इसलिए आवश्यकता है। जब तक प्रश्न है तब तक गुरु जो कहे वह करना चाहिए। प्रश्न, माँ बीच में गुरु की क्या आवश्यकता है? माँ, जब तक हम तुम व्यवहार में हो तब तक गुरु जो कहेगा करना पड़ेगा। गुरु जो कहे उसे लेकर चलना पड़ेगा। जब तक प्रश्न रहेगा तब तक गुरु भी रहेगा। प्रश्न, मां गुरु क्यों, ब्रह्म क्यों नहीं? ब्रह्म स्वयं बोल दें। मां, गुरु भी तो ब्रह्म ही है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म ही है, एक ब्रह्म ही है।
गुरु रूप में ब्रह्म ही बोलते हैं। जिस तरह से जो जो कहे वही ब्रह्म है। ब्रह्म में सब कुछ है। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप, आत्म स्वरूप, किसी को किसी ने बांधा नहीं है। एक ही तो है, दो तो है ही नहीं। जो जो कहे वही है। उनको साकार निराकार जो कुछ कहो वही है। जहां दृष्टि वहां सृष्टि, अपने में आप ही हैं, स्वयं नित्य प्रकाशित हैं। जैसे सूर्य उदय हुआ लेकिन बादल से ढक जाने से सूर्य दिखता नहीं है, बादल हटने से सूर्य का प्रकाश दिखता है, वैसे ही अपना आवरण आप ही। आवरण हट जाने से ज्ञान सूर्य नित्य प्रकाशित है। आवरण खुद हटाना पड़ेगा। पर्दे को हटाओ तब पता चलेगा कि कब था नहीं, स्वयं प्रकाशित है, अपना आवरण अपने ही है। प्रश्न, मां ब्रह्म में क्या तेज कम है जो बादल उसको ढक लेगा? मां, बादल या आवरण या पर्दा, ये शब्द तो रास्ते में ही आते हैं। वहां तो पर्दा या आवरण की कोई बात ही नहीं है। जब पर्दा हट जाता है तब द्वितीय स्थान नहीं रहता। रास्ते में लक्ष्य ठीक रखना चाहिए। रास्ते में ही सारा द्वंद्व है। प्रश्न, मां दीक्षा लेना यह भी तो एक कर्मकांड है। मां, उपदेश सुनने जाते हैं यह भी तो कर्मकांड है। तुम ग्रंथ पढ़कर सोचते हो कि तुमने सब कुछ समझ लिया, लेकिन समझने से काम नहीं बनेगा। जब तक अपना आत्मा बिल्कुल प्रत्यक्ष ना होगा तब तक पढ़ी हुई विद्या से काम नहीं चलेगा। हां, इस विद्या से तर्क आ सकता है। विरोध भंजन की स्थिति में ना हो तो विरोध रह जाएगा। जब तक रास्ते हैं तब तक अगर मगर है। प्रश्न उत्पन्न होता है रास्ते में। प्रश्न उसमें उत्पन्न नहीं होता जो पास हो गया है या जिसने पढ़ा ही नहीं। प्रश्न आने से समाधान भी आता है। कर्म कौन करता है, किसका कर्म? जिस लाइन में जो चले उसके लिए वही ठीक है। जैसे तुम पिता पुत्र पति एक ही हो। पुत्र दृष्टि से पिता हो, पिता दृष्टि से पुत्र हो, पत्नी की दृष्टि से पति हो, यह जैसे सच है वैसे ही जिस रास्ते में चलो सोचो हमारा आत्मा ही है। जैसे जल और बर्फ में कोई भेद नहीं है वैसे ही साकार और निराकार में भी भेद नहीं है। बर्फ में जल ही तो है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। चाहे किसी रास्ते से चलो, योग मार्ग में चलो या ज्ञान मार्ग में चलो या भक्ति मार्ग में या क्रिया मार्ग में चलो, वही मिलेंगे। अपने अपने मार्ग में इष्ट निष्ठा नहीं रहने से काम नहीं चलेगा। इष्ट निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। हां रूप में ना रूप में वही है। हमारा ब्रह्म ऐसा नहीं है कि कोई उसे खंडित कर सके। जो कुछ जो कहे वही है, वही है, वही है। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।